अरे नहीं यार, ये तो मजे ले रहे थे। निरहुआ हिंदुस्तानी 2 का पार्ट 2 लेके आ गए हम। पार्ट 3 एक्चुअली। हाँ 3 है, सॉरी। हाँ शुरू करते हैं अभी को। तुझे 100 करोड़ के रॉबरी के बारे में क्या पता है? हम ना बताई। बोल, कोनो कीमत पे ना बताई। सर हाँ, मामला सीआईडी वाला जाए, आप हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। चलो मराठी, अब सीआईडी के हवाले कर देंगे क्या इनको? हाँ ऐसे लग रहा है, मतलब इस बंदे। ओ भाई सीआईडी वाला आ गया। अरे भाई साहब, ये तो इनके इसमें भी एक दरवाजा तोड़ने वाला है क्या? अभिजीत दया क्या जानता है उस करोड़ के बक्से के बारे में? बक्सा वो तो हम बता दे, लेकिन हमारे को शर्त बा, तू हमारे सामने शर्त रखेगा? सॉरी सर। ए सीधे सीधे बता, चार चोर कौन है? कि काय मर ले, हम ना बताई। नहीं बताएगा? ना बताई, नहीं बताएगा, तेरा तो पप भी बताएगा। ए उठी मिंदो टॉर्चर रूम। हाँ? तारज बारा लोग चाहे मोमबत्ती जो ले, हमारे शरत ना मन बलोग तो ले ना बताई। ओ भाई, ओ, ओ भाई, ओ पूरे भाई, ये तो रियल बर्फ है यार। ये बोले गजब डीट बंदा है। बोल, 100 करोड़ के बारे में क्या जानता है? बता। लाइव लाइव। मारो। लड़के ने 100 करोड़ की रॉबी के बारे में कुछ बताया? नॉट नो सर, उसने लुटेरे के बारे में कुछ जानकारी दी? अभी नहीं सर, अभी तक उनका मुंह क्यों नहीं खुलवा पाए? पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो, लुटने का नाम ही नहीं लेता है, बट हमें भी उसे तोड़ने के बहुत से तरीके आते हैं। दैट्स इनफ, थैंक यू। साइड प्लीज, साइड प्लीज। सीआईडी ये बड़ा सही था। नेहा, जैसा कि आपने सुना है, सीआईडी अधिकारी के लाख कोशिश करने के बावजूद उस लड़के ने 100 करोड़ की रॉबरी के बारे में अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। रूबी, उस लड़के के बारे में पता चला कि आखिर वो है कौन? नेहा, पुलिस सूत्रों से पता चला है कि उस लड़के का नाम नीरव कुमार यादव है, जो गांव टडवा टप्पा सॉरी जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और यहां पे दोस्त के साथ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। नीरव कुमार यादव कौन है रे? या हल्का टला माहित कसा पड़ रे? अपन लोग नहीं उड़ा ले। ये गैंग है। अगर नीरव को सब कुछ पता है, जिन्होंने उड़ाया है, तो पुलिस को क्यों नहीं बता रहा है भाई? खूब शाना है भाई, अपन लोगों से सौदा करना चाहता है। अरे भाई, से बचने का है ना, तो उस लौंडे को पुलिस कचड़ी से उड़ाना पड़ेगा। अरे भाई, नो, इट्स अ मैटर ऑफ अ कंपनीज रिपुटेशन। कुछ भी करना पड़े, कोई भी स्ट्रेटजी अपनानी पड़े, कोई सौदा करना पड़े, हमें 100 करोड़ को रिकवर करना जरूरी है, अदरवाइज हमारी कंपनी को, बैंक को इतने बड़े अमाउंट का भुगतान करना पड़ेगा। इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी तरीके से उस नेहू कुमार यादव को मोल्ड करो। ओके सर। हैं? ओ थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव वाइब आई थी सीआईडी वालों से, अब नेगेटिव आ रही है। ना बताए, इतना बताए। इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीतून काही लोक आले, त्यांना तुम्हाला भेटायचे। इंश्योरेंस वाले? हाय सर, वी आर फ्रॉम इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ओके सर, हमारी कंपनी ने उस बैंक का इंश्योरेंस किया था जिसमें 100 करोड़ की चोरी हुई। अच्छा तो सर, उस आदमी ने कुछ बताया? अभी तक नहीं, लेकिन बताएगा जरूर। प्लीज सर, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग ट्राई करें। आपको क्या लगता है, हमें झक मारे बेटे? यू शट अप। ये आई राजू गुलवाने। ए गुनेगारांकडून गुन्हा कबूल करून घेणं म्हणजे काय पॉलिसी काढायचं काम नाहीये? चार पेपर पर साइन किए, चेक लिए और काम खत्म। सॉरी सर, सर आपको हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं था। प्लीज सर, वन चांस, अपना मतलब तो उसे राज उगलवाने से है ना सर? प्लीज सर। सर हमारे पास 16वीं विद्या है जिसे वो सारे राज उगल सकता है। 16वीं विद्या? 16वीं विद्या? सिक्स सेंस सुना था। अच्छा, खुद से ना उगलवा पौला लोग, तो ये लोग के बुला लेला। कितना बार कहीं कि हम ना बताई तो ना बताई, चाहे तू लोग आग पे चलावा चाहे बर्फ पे सुतावा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा तो तू लोग का करे वाला बड़ा? इनसे मिलिए, ये मिस्टर पवार, नमस्कार। ये मिस परिणीता, नमस्कार। ये हमारे सुरेंद्र पांडे जी। हेलो। और मैं, मेरा नाम मुखर्जी। तू लोग तो ऐसा पर्चा करा बता रहा जैसे लागत अमर भी आ करा हुआ बड़ा लोग, समझ लीजिए कि ऐसा ही है। अच्छा बस एक बार वो 100 करोड़ के बक्से के बारे में बता दो। ना 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 ना, पहले हमार शादी फिर बक्सा के आजादी। हम इनसे उनसे शादी ना करब। फिर किससे? हमार शादी तो हमार मनजोग रानी से हुई। मनजोग रानी? अरे सर मतलब सपनों की रानी। अरे बाबा हमें भी तो बता दो, आपकी सपनों की रानी है कौन?
किरण खन्ना। तो रे भाई तुम्हारी 100 करोड़ की और तुम्हारी कंपनी की ऐसी की तैसी। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस गवार से शादी करूंगी? निकल जाओ वरना तुम्हारे सबके सर फोड़ूंगी। आउट मैडम सुने ना प्लीज गेट आउट। ओ भाई ये डिमोनेटाइजेशन की पहले की मूवी है। रॉकी बाबा प्रियंका चोपड़ा का गाना फिर आ गया। फिर से म्यूट करना पड़ेगा। रॉकी हैंडसम तो है बंदा यार। आयस खान तुम्हारे लिए एक मस्त प्लान लेके आया हूं। ओह हॉलिडे प्लान? ओह नो डार्लिंग, एक दिन में 1 करोड़ कमाने का प्लान है। ओह क्या प्लान है? शादी का मैडम जी। तुम लोग इधर चले जाओ यहां से। मैडम जी, मैडम जी। अच्छा डार्लिंग प्लीज रिलैक्स, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। तुम मुझे कूल डाउन बोल रहे हो? हां तुम मैडम जी तुम बैठो। अच्छा उधर उनको वैसे शादी करना पड़ी थी, इधर उनको ऐसे शादी करना पड़ेगी। फर्स्ट मूवी में शादी करना पड़ती। तुम मुझे इस गवार बदतमीज से शादी करने के लिए बोल रहे हो? तुम? I don't believe this. किरण, किरण, please. अरे शादी नहीं यार, फिल्मी ड्रामा। फिल्मी? Yes baby. जैसे फिल्मों में हीरोइन फेरा लेती है, सिंदूर लगाती है, शादी हो गई और सीन ओवर और सब लोग अपने अपने पैसे लेके अपने अपने घर। मैडम जी बस आपको सिर्फ इतना ही करना है और इसके बदले हम आपको 1 करोड़ देंगे। 1 करोड़? ओ भाई मैडम 1 करोड़। ओ भाई गदन लगता है। ठीक है नीचे नहीं गिरे। इतना हाइपर क्यों हो रही हो? 1 करोड़ दे रहे हैं, 100 लाख और बदले में करना क्या? 100 लाख शादी का एक छोटा सा ड्रामा मैडम प्लीज। हाँ डार्लिंग एक छोटा सा ड्रामा और उस ड्रामे से उस अनपढ़ जाहिल गवार देहाती से हमेशा के लिए छुटकारा। नहीं मैं तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकती। ये रिस्क नहीं मैडम, ये ड्रामा फिक्स है। बस एक बार ये ड्रामे वाली शादी हुई और जैसे ही उसने 100 करोड़ का राज बताया फिर तो हम उसे रॉबरी के जाल में ऐसा फंसाएंगे कि बाहर की दुनिया उसे देखना नसीब ही नहीं होगा मैडम जी। डार्लिंग तुम सोच क्या रही हो? हाँ बोल तो ना प्लीज से। यस मैडम रेडी? ओके डन। अरे वाह मान भी गई। अरे भाई जेल में शादी। अरे भाई ये कौन सी मैं यूनिवर्स में रह रहा हूँ मैं। पर जो भी है एंटरटेनमेंट के हिसाब से मजेदार चीज है। मजेदार है। ओ 1 करोड़। ओ रजिस्टर्ड भी हो गई मेरी। विवाह संपन्न हो गया, आज से आप लोग पति पत्नी हो गए। करे जा कहां जा तू। अब ये ना बोल दे कि स्वागत मनाऊंगा पहले। सर हमने आपकी शादी आपकी मंजू की रानी से करा दी, अब तो 100 करोड़ के बक्से के बारे में बताइए। अभी तो खाली 7 फेरा भइल बा, 8वां फेरा तो अभी बाकी बा। स्वागत। ओ क्यों सर पकड़ लिए, आप तो 16वीं विद्या में माहिर है ना। ये स्वागत। I will kill you, bloody idiot nonsense! कान के नीचे बचाऊंगी अगर मेरे पीछे आए तो। No no no, no तो हटा दी। अब क्या करें? 2 करोड़। 3 करोड़। Not any cost. 5 करोड़। 5 करोड़। नहीं, नहीं, very bad. No स्वागत। अरे सर सच्ची मुच्ची का नहीं, नाटक नाटक नाटक। किरण 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 प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? नो रियल सुहागरात, इट्स अ नाटक नाटक। सुहागरात कभी कोई नाटक होता है क्या? तुमको प्लीज प्लीज मेरी बात तो समझो। दैट्स अमेजिंग यार। 5 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ प्लीज। उसके पास पैसों की कौन सी कमी है यार? 5 करोड़
इससे प्यार करती ना, इसके चक्कर में करना पड़ा। यस मैम, हम उसे आपको टच भी नहीं करने देंगे। हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज वी हैव अ प्लान। ओके डन। ओके डन। मैडम स्वागत के लिए रेडी है। मैडम तैयार वाली। भाई तुम जानते ही नहीं हो उसको। आप हमारे लिए तो वीआईपी आदमी है। वीआईपी स्वागत तो वीआईपी जगह ही होगी ना। मतलब फाइव स्टार होटल में। ओ भाई साहब अरे क्या हो रहा है यार, ये खतरनाक मूवी आ रही है। सर आपने कभी सोचा था कि आपकी स्वागत फाइव स्टार होटल में होगी? अरे भाई न्यूज़ बन गई, बनाई जा रही है। सर बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, और ज्यादा जानकारी चाहिए तो पहले सुहाग रात मना लेते हैं। अरे ये आ गए, वो उसको उठाने आए हैं वो लोग। ओ फाइव स्टार होटल पहली बार देख रहे हैं। क्या बना यार, भाई साहब बादशाह अरे वो शान शहनशाह। इनको कॉपीराइट क्लेम नहीं आते क्या? क्या पता यार। बाकी यार कितना खर्चा किया गया यार, ये देखना तो इनके ड्रेसअप वगैरह। इस मूवी को ऐसे हल्के में नहीं लिया गया है, बकायदा प्लान के साथ बनाया गया है। अरे वाह यार। वाह कबाब शराब शबाब। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। भाई अरे रेडी बाड़ू हमारा पे होखे के निछावर। अरे नहीं यार, ये तो मजे ले रहे थे। जल्दी से आ जा ना। देखा अब मुर्चा पे चढ़ा के धोखा मत दो। मुर्चा पे चढ़ा के पहले 100 करोड़ के बारे में बताओ, फिर उसके बाद। ए डार्लिंग, अब तुम अपने धर्म संकट में डाला था। इसमें धर्म संकट में आने वाली कौन सी बात है? अब मैं किरण बलराज खन्ना नहीं, किरण नीरव यादव हूँ। तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। सर लगता है लाइन पे आ रहा है। और पति पत्नी के बीच में कोई राज राज नहीं रहता। अरे के पति ने क्या क्या बताई? अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो? क्या सोच रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ कर क्या बता दी। ओ भाई साहब क्या गेम खेला बंदे ने। दारू मत पिलाओ उसे। क्या कह रहे थे? सोलवी विद्या है, अब मुतवा उसे। और ये कैमरा बंद। सर इतना टाइम, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। वो गैंग वाले उठा के ले गए उसको लग रहा है। बहुत देर हो गई, आ क्यों नहीं रहा है? नॉक द डोर। ओके सर। पतिदेव मेरे प्यारे पतिदेव, निरवा डार्लिंग, सर कुछ आवाज नहीं आ रही, लगता है लुढ़क गया। हाँ? अरे अब क्या होगा? सब जाएंगे अब। सर कहाँ गए हो? ए हल्का तुझे कैसे मालूम? सब करो अब उन लोग ने चुराया। मैं बहुत पहले ना मालूम लेकिन अब मालूम चल गया। अरे भाई साहब पहले नहीं मालूम था, समुद्र फेंको दे हुआ पहले नहीं मालूम था लेकिन अब मालूम पड़ गया। गाड़ी चपटी
अरे अरे शाने बोला अरे ये क्या हो रहा है? अरे उनके कपड़े पहन लेके हाँ उन दोनों के कपड़े निकाल दिए। म्यूजिक चल रहा है मराठी क्या हो रहा है भाई अरे चलो तुम पीछे जाओ। तूफान जैसन जोश समुंदर जैसन जवानी बेटा हमरे नाम निरहुआ हिंदुस्तानी क्या बात है हिंदुस्तानी अरे केकड़े ओ ऐसा अरे वाह यार क्या बात है वाह अब पुलिस इनको ढूंढते हुए आ जाएगी। ओ, ओ, क्या एक्शन है एक्शन ही है वो मतलब बिलीवेबल है कि हाँ ये तो किया जा सकता है। अरे 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 अरे, अरे ओ, 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 ये क्या था ज्यादा तारीफ कर दी अरे वाह यार वीएफएक्स पर मजेदार है यार एंटरटेनिंग तो है पूरा होटल देख लिया कहीं नहीं मिला वो अरे ऐसे कैसे हो सकता है ढूंढो सब जगह यस सर कहां गए वो हेलो कंट्रोल रूम में तुम मात्र बोलते हो साहब व्हाट मूव चलो 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 ये स्वागत का क्या हुआ ये पूछने के लिए गई मंडिया क्या बात है शाम हो गई निकलो बाहर पुलिस ने तुम सबको चारों तरफ से घेर लिया है चलो जल्दी कोई होशियार नहीं तुम लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी साहब ये करा के तू लोग ढूंढत बाड़ा उगाड़ी में ना कचरा ओ अब तो पकड़ा भी देगा कचरा पेटी में कचरा फेंक बंदा अलग आराम से बैठा हुआ है अब तो हीरो बन जाएगा भाई की रॉबरी का पर्दाफाश किया कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपने उन चोरों के बारे में पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया इतना टॉर्चर क्यों साहब ने पता ही नहीं था ये सब हमारा प्लानिंग था वो क्या है कि चूहा को बिल में से निकालने के लिए बिल में पानी डालना पड़ता है ये भोजपुरी आईडिया आप लोग को समझ में नहीं आएगा सर ये आईडिया कहां से कहां से अरे इससे ज्यादा दिमाग तो हमारे गांव में भैंसिया को भी होता है जी आपके 100 करोड़ की रॉबरी का मिशन तो पूरा हुआ अब आपका अगला मिशन क्या है मिशन सुहागरात ओ भाई इल्बा बहुत है पिटाई सुहागरात में आज बड़ी मजा आई तुम्हारी हिम्मत हम यौवन चाहे तवल लगा सकता नहीं अरे हम तो आज पति है पति आज ये बिया भइल और आज ये पूछा दिया कौन पति अभी बताओ तनी खबरदार जो दोबारा अपनी जुबान से ये बात निकाली तुम तो मेरे पति तो क्या मेरे नौकर बनने के भी काबिल नहीं हो समझ में आ गेल मैडम कि तुम्हारा मन में हमरा खातिर काबा लेकिन अब जो नाम करे तोहरो समझ में आ जाए मिस किरण खन्ना ठीक है ना भाई जी हाँ बंगलो नंबर 203 फार्म स्प्रिंग गोरेगांव वेस्ट मुंबई 104 नोटिस तीनों को भेज दिया उसने गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूं कि जो कुछ भी कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी हाँ तो मिसेस किरण यादव एक्सक्यूज मी किरण यादव नहीं किरण खन्ना हूँ
किरण खन्ना तो आप पहले थी, मेरे मोकिल से शादी करने के बाद आप किरण यादव हो गई है ना। लेकिन मैं शादी को शादी नहीं मानती। Point to be noted, my lord. अपने पूरे होश हवास में अपनी मर्जी से शादी करने के बावजूद ये कह रही है कि ये शादी को मैं शादी नहीं मानती, जबकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है, ये मैरिज सर्टिफिकेट। क्या बात है। इस प्रमाण पत्र में किए गए हस्ताक्षर आपके नहीं है? यस सर, लेकिन मुझे फंसाया गया है। किसने फंसाया है आपको? मिस्टर मुखर्जी ने जज साहब। मिस्टर मुखर्जी को कटघरे में बुलाया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये शादी तो इन्होंने अपनी मर्जी से की है। अरे ओ भाई, इनके दोस्त मिस्टर रॉकी। अरे बताइए मिस्टर रॉकी, ये भी पलटी मारेगा। यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अगर ये आपकी गर्लफ्रेंड है तो आपने इनकी शादी मेरी मुवक्किल निरेगो कुमार यादव से क्यों करवाई? मतलब आप नामर्द हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? नामर्द हैं मिस्टर रॉकी। जी साहब, इनको पता नहीं है मैं रोज सुबह 2 लहसुन खाता हूँ। इसीलिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मेरे मुवक्किल ये देसी मर्द निरेगो कुमार देसी ये सच है या नहीं? जी साहब, मैंने इस वजह से थोड़ी ना शादी करवाई। तो किस वजह से करवाई है? मिस्टर मुखर्जी के कहने पे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं किरण को 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी साहब, इसलिए मैंने शादी करवा दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं नहीं सर, मिस्टर रॉकी ने कहा था कि आप किरण को 1 करोड़ दोगे, आप मुझे भी 1 करोड़ दीजिए, मैं किरण को राजी करा दूंगा। वाह भाई, मिसेस किरण पे इंडियन पिनल कोड की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और धारा 420 का भी केस बनता है। अरे बाप रे बाप, ए का करता है माय बाप, के साथ इतना बड़ा चाल। हम जी ये करेंगे चाहत भाई बाप, हमके इच्छा मृत्यु को वरदान दे दी। और भाई क्यों के लगे जा रोके तब के देना भाई, हम पी के मर जाए। वकील साहब, हमके किरासत तेल लिया के देना, हम जर के मर जाए। ऑर्डर ऑर्डर, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अरे ड्रामा ना जज साहब, गोला चार पति के फरियाद। अब हम कौन भूलेंगे अपना गावे जाइब? अब अगर हम गावे जाइब तो अपन मेहरारू के लेके जाइब, ना तो गावे हमार लाश जाई। जज साहब, अब हमार जीवन और मरण सब आपके फैसला पे। वाह भाई। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर निरहु, ये अदालत है, आप अपने जज्बातों पे नियंत्रण रखिए और अपने जगह पे जाके बैठिए। ठीक बा। ऑर्डर ऑर्डर, इस केस की सुनवाई आज पूरी हुई, अब इस केस का फैसला अदालत दिनांक 23 अप्रैल 2017 को सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। ऑर्डर ऑर्डर, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पैसे के लालच में किरण खन्ना ने निरहु कुमार यादव से शादी की और पति पत्नी के संबंध को मजाक बनाया, जो कानून के साथ साथ समाज के लिए भी अपमानजनक है। इसलिए अदालत हिंदू मैरिज एक्ट धारा 9 के तहत किरण खन्ना को आदेश करती है कि 1 साल तक निरहु कुमार यादव के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें। ओ भाई साहब, 1 साल के बाद अगर ये चाहें तो अदालत में तलाकनामा दायर कर सकती हैं। और ये अदालत निरहु कुमार यादव को सचेत करती है कि किरण कुमार से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें। एकदम एकदम नहीं करेंगे माई बाप, बस ही मत करें हमारे साथ में। साथ ही साथ ये अदालत पुलिस प्रशासन को आदेश देती है कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को एवं राकेश कुमार उर्फ रॉकी को तुरंत हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करें। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। भाई साहब, थैंक यू सर, इनका तो हो गया ब्रेकअप। अब तो जेल भी हो गई इसका। तुम किधर? अगर किसी ने भी बचाने की कोशिश की, पागल है क्या भाई? भाई तू ज्यादा ज्यादा 2 महीने के लिए जाएगा। अब तो तूने निरहुआ की कर दी उसको। कितना आईसी था। क्या करे जा, अब तो चला ही के पड़ी। चला चली गाजीपुर, चला चली गाजीपुर। अरे गाजीपुर, गाजीपुर की बताया रहे इनको उसमें। निरहुआ हिंदुस्तानी रियल फुटेज। अरे बेटा, कितना दिन बाद तोरा के देखा थी बचवा। प्रणाम चाचा जी। कारे कुनरवा, बढ़िया कली की नलायकों के मुंबई में नौकरी लगा दे ली। अरे ये क्या बेटा? तोहार बहू रानी। चलेगी। भाभी, अरे हम तो हर देवर हैं। ओह, शट अप एंड स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस।
ये घर में तोहार कौनो कमरा नहीं थे। हाँ। ये घर हमार हा। अब हमारा मतलब हमार ना तो ठीक बा हमारी सब अर्ध तो भाई का? का कह ले बात दी ससुर जाओ ने कमरा मारा सब हिस्सा मांगल बुला जाए कैसे मारा जी काहे के मारा ये घर हमार के घर के मालकिन हम हमार कमरा हमारे बेटा का कमरा जा बेटा जा जा तो भाई हाय मैडम हाय मैडम मैडम बोल रहे ए तय का रे मैडम जी के लगे मैडम जी के लगे हां तू नहीं ना 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 घर जा घर जा नहीं हमरा मना करे के बाद भी घर में घुसा पैर पे रख दिया उनके हमरा तो कोई इज्जत नहीं थे और टका और ना टका और ना टका का और ना टका भाग गया से भाग जी ए कहां यहां बोली जब बेशरम लड़की खुद के घर के बहू मानते नहीं थे तकाऊ ना हक से यहां रही हमार बंस बढ़ावा खातिर जी ओ एक साल के बाद जाए वाली बिया ओकरा से तू बंस बढ़ावे के उम्मीद लगावले बड़ू इतना बड़ हो गई नी इहो ने के पता कि लड़का होके खातिर खाली 9 महीना चाहला सालों भर ना अरे जब उन्हीं रहवा के आपके पति मानते नहीं थे तो 9 महीना आपका 9 साल में भी कुछ ना होई एक बात बताई जब हमार लड़का वो शहरी लड़की के मुंबई शहर से उठा के गांव में लिया सकेला तो अपने छोट 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 बच्चन कमाई काहे ना बना सकेला जरूर बनाई जी हमरा के अपना बेटा पर भरोसा बा देख ले भाग यहां से देख ले चाचा तोरे घर के आई बा ये अरे पता नहीं के ओ भाई मैं किरण का डैडी हूं आई बैठी मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया हूं ओ भाई साहब मेरी बेटी कहां है पापा पापा किरण बेटा ये तूने क्या किया अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा भाई साहब कोई बात नहीं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए मैं आ गया हूं निरहुआ कहां है अरे ससुर जी प्रणाम ससुर जी मुझे ससुर जी नहीं साहब जी कहो राजा का मुकुट पहनने से कोई भिखारी राजा नहीं बन जाता भिखारी की क्या औकात होती है मैं अच्छी तरह जानता हूं ओ पैसे लेके भाई साहब बोल मेरी बेटी को छोड़ने की क्या कीमत लोगे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ सौदेबाजी बाजारू समान कोला साहब किरण हमारी पत्नी है ओ भाई तुम जानते भी हो 10 करोड़ की कीमत क्या होती है रहुआ जाना था नहीं है वो पत्नी की अहमियत का होला 10 करोड़ से तुम्हारा पूरा घर बदल जाएगा और इनका से हमारा पूरा जीवन संवर जाएगा ओ 10 करोड़ को ठुकराना तुम्हारी बदनसीबी है और इनके साथ रहल हमारा खुश नसीबी है ओ भाई ये डिस्कशन को हम आगे देखेंगे अगले पार्ट में लेकिन भाई ये पार्ट बहुत ही जबरदस्त गया है बहुत कुछ हो गया इस एक पार्ट के अंदर ही बहुत कुछ हो गया और शादी वापस आ भी गए घर एंड बहुत कुछ ड्रामा हुआ एंड फुल ऑफ कॉमेडी वाला ये मूवी है मजा आ गया यार देख के देखते हैं अब अगला पार्ट बहुत जल्द कमेंट करो जल्दी से इसके 5000 लाइक पूरे करो 5000 तो छोड़ो व्यूज पूरे नहीं कर रहे हो तुम लाइक क्या पूरे करोगे चलो फिर भी 2000 लाइक पूरे कर दो तो इसका अगला पार्ट लेके आ जाएगी ठीक है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन मेक लव नॉट वॉर